खरगोन जिले के भगवानपुरा पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 11 अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2,60,000 रुपए कीमत के 11 देसी पिस्टल और कट्टे पुलिस ने जब्त किए। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी प्रहलाद सिंह सिकलीगढ़ निवासी सिग्नूर पर राजस्थान के जयपुर के SOG के प्रकरण दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस ने फरारी वारंट जारी कर रखा है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर भगवानपुरा पुलिस ने अवैध हथियार की सप्लाई करने जा रहे आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस रिमांड में पूछताछ में आरोपी से और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। गौरतलब है कि खरगोन जिले में पुलिस ने इन दिनों SP धर्मवीर सिंह की अगुवाई में ऑपरेशन अवैध हथियार की धरपकड़ अभियान चला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हथियारों को लेकर खरगोन जिले में अभियान चल रहा है। पुलिस को एक बड़ी सफलता फिर मिली, 11 पिस्टल के साथ एक आरोपी को पकड़ा। देखिए, इसमें जो आरोपी पकड़ा गया है ये जयपुर राजस्थान से फरार है। राजस्थान की SOG पुलिस के द्वारा इसमें वारंट जारी किया हुआ है। इसकी काफ़ी लंबे समय से तलाश थी और भगवानपुरा थाना प्रभारी को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये अवैध हथियारों के साथ उस क्षेत्र में मूवमेंट कर रहा है, तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर इसको ट्रैप किया गया और इसको हिरासत में लिया गया है। ये मोटरसाइकिल से अवैध पिस्टल और कट्टे के साथ मूवमेंट कर रहा था। तो जो टोटल सीजर हुआ है इसमें 11 अवैध हथियार इससे जब्त हुए हैं। ये इंटर स्टेट क्रिमिनल है और ये अवैध हथियार बना के सप्लाई करता है। पूर्व में जब जयपुर में इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद से ये फरार हो गया था। इसमें वारंट जारी किया हुआ था। इसकी गिरफ्तारी के बाद इंटरोगेशन करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी इंटर स्टेट लिंकेजेस निकल के सामने आएंगे। देखिए, सिगनूर जो एरिया है पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें जो सिकलीगढ़ कम्युनिटी के लोग हैं ये लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। ये जो प्रहलाद आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है ये भी सक्रिय था और लगातार फरार था। इसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से काफ़ी लिंकेजेस मिलेंगे और अवैध हथियार के क्षेत्र में जो इंटरेस्टेड कनेक्टिविटी है उसका खुलासा होगा। ये कहीं ले जा रहा था सर? ये जो सूचना मिली थी तो 11 जो इसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं, हथियारों को ये सप्लाई करने के लिए लेके जा रहा था। अभी कस्टडी में लिया गया है, इसे पूछताछ करेंगे फर्दर डिलीवरी कहाँ होने वाला है। ये भगवानपुरा थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।